हेलो बच्चा लोग, दिस इज़ गोपाल सर एंड वेलकम टू एजु बूस्टर्स। आज जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं या फिर जो पढ़ाने जा रहे हैं आप लोगों को, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपके एग्ज़ाम में श्योर एंड सर्टेन आएगा, पहली बात बता दें। और एंड तक आप बने रहेंगे तो इसमें दोबारा से कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। और यह टॉपिक एमिनो एसिड हम पढ़ाने जा रहे हैं। एमिनो एसिड में बच्चों को लगता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत लेंथी चैप्टर, लेकिन इतना इजी और इतना छोटा चैप्टर, बहुत मज़ेदार चैप्टर है। प्लीज़ आप लोग बस एंड तक बने रहिए, देखिए क्या इसमें हम दिखाते हैं आप लोगों को, सरलता क्या है। जो एमिनो एसिड है बेटा, एमिनो एसिड, यहाँ पे ध्यान देना कि एमिनो एसिड पर्टिकुलर किसका पार्ट है। तो पार्ट अगर हम बोले तो यह है प्रोटीन का, है प्रोटीन का। बहुत सरलतम ढंग से हम आपको समझा देंगे, कुछ ही पल आप हमारे साथ बने रहिए, देन आपको समझ में आएगा कि ये अच्छा है या नहीं है। और नोट्स अगर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम के लिंक पे जा सकते हैं, एजु बूस्टर्स आप टेलीग्राम में जाके टाइप करिए, आप हमारे लिंक पे चले जाएंगे। चलिए यहाँ पे बात करते हैं एमिनो एसिड, जो एक प्रोटीन का क्या है, पॉलीमर है, हेट्रोपॉलीमर ऑफ प्रोटीन इसको बोला जाता है। एमिनो एसिड को क्या बोला जाता है, हेट्रोपॉलीमर ऑफ प्रोटीन। अगर हम यहां से दिखाएं बेटा तो इसको बोला जाता है हेटरो पॉलीमर ऑफ प्रोटीन। अब आपके माइंड में आ जाएगा कि सर इसको हेटरो पॉलीमर ऑफ प्रोटीन क्यों बोला जा रहा है, जबकि ये एमिनो एसिड से ही बना प्रोटीन है। प्रोटीन से बना है जरूर बेटा, लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो प्रोटीन होते हैं वो कई प्रकार के एमिनो एसिड मिल जाते हैं, तब यहाँ पे ये बनता है क्या, प्रोटीन बनता है। ये सिंपली जान लीजिए कि जो हमारी बॉडी है, आपकी बॉडी है, यानी ह्यूमन बीइंग की जो बॉडी है, इस बॉडी में बहुत से एमिनो एसिड, डिफरेंट टाइप के एमिनो एसिड मिलते हैं, तब जाके ये प्रोटीन बनाते हैं। और ये प्रोटीन हमारी बॉडी बिल्डिंग मटेरियल में हेल्प करता है। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें, ये अल्फा एमिनो एसिड हो गया, तो ये बीटा एमिनो एसिड है, ये क्या है, ये गामा है, ये डेल्टा है, ये ओमेगा है। इस प्रकार से इतने प्रकार के एमिनो एसिड हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, बहुत से एमिनो एसिड होते हैं जो यहाँ पाए जाते हैं। अब हम दिखाएंगे कि आपको कितने एमिनो एसिड हैं जो अभी तक बताए जा चुके हैं। तो ये आप जान लीजिए कि 300 एमिनो एसिड होते हैं। कितने एमिनो एसिड होते हैं बेटा, 300 एमिनो एसिड होते हैं। लेकिन याद रखना कि 20 एमिनो एसिड जो होते हैं, अभी कहीं कहीं 22 भी हो चुका है, तो 20 एमिनो एसिड क्या हैं, ये लिविंग बीइंग में पाए जाते हैं। जो लिविंग के लिए आवश्यक होते हैं वो 20 ही होते हैं। 20 एमिनो एसिड ऐसे होते हैं जिसके बारे में हम लोग अच्छे से जानते हैं, जो हमारे शरीर में कार्य करता है, ये हमारे लिए यूजफुल भी कहे जाते हैं, जिसके नेमिंग से भी हम आइडेंटिफाई करते हैं, जो जेनेटिक कोड में भी हम लोगों के यूज होता है। इसलिए इस एमिनो एसिड को एक और चीज़ बोला जाता है, ये क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स, इनको बोला जाता है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। क्या बोला जाता है, ये ध्यान दीजिएगा, इनको बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन भी बोला जाता है। इन एमिनो एसिड को बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन बोला जाता है। इसके साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखिएगा कि ये हैं क्या, ये बायो मॉलिक्यूल्स हैं। अब आप कहोगे सर ऐसे तो प्रोटीन, लिपिड, फैट, ये सब बायो मॉलिक्यूल्स हैं। हाँ है ना, हम बता तो रहे हैं। देखो बेटा, यहाँ पर अगर हम बायो मॉलिक्यूल्स की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मैक्रो बायो मॉलिक्यूल्स, एक होता है माइक्रो बायो मॉलिक्यूल्स। अब आप ये ध्यान दीजिए कि मान लो ये एक फिल्टर है, इस फिल्टर से जो छन जाए और यहाँ पे नीचे आ जाए, हमारे इस पार्ट में आ जाए, उसको हम बोलेंगे माइक्रो। जो यहाँ पे अटक जाए उसको बोलेंगे मैक्रो। अब आप कहोगे सर यहाँ कौन अटक जाएगा, बेटा वही तो बात है, यहाँ अटकेगा जो, वो होगा, आपको दिखा रहे हैं मैक्रो, वो मैक्रो में कौन होगा, प्रोटीन होगा।
कहोगे कि सर अभी यह पढ़ा रहे थे इसलिए आपके माइंड में आया और आपने बता दिया, नहीं तो इसको प्रूफ भी कर रहे हैं ना बेटा, यह है प्रोटीन। ठीक, अब देखो जब प्रोटीन यहाँ पे अटक गया तो इस प्रोटीन को भी देखा गया, अगर झाड़ा पूछा गया तो इसके जो पार्टिकल छन के गए वो क्या थे, एमिनो एसिड। एमिनो एसिड आई मीन इस एमिनो एसिड से ही ये प्रोटीन बना है, ये अब श्योर हो गया। इसके बाद क्या है, इसके बाद है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट को जब छाना गया तो यहाँ से ये कार्बोहाइड्रेट तो रुक गया और इसमें रुक गया कौन, पॉलीसैकेराइड। लेकिन जो नहीं रुका वो क्या था, मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड जो था वह क्या था, ग्लूकोज फ्रक्टोज, ये सब अटके नहीं, नीचे चले गए। तो ये होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स। अब आपको बता दें बेटा, माइक्रो मॉलिक्यूल्स वो एलिमेंट जो यूनिट होते हैं किसी चीज़ की, उसे माइक्रो मॉलिक्यूल्स आप कह सकते हैं। जैसे न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड तो हो गया माइक्रो मॉलिक्यूल्स। लेकिन यहाँ पे जो है नाइट्रोजनस बेसिस, नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं जैसे एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये नाइट्रोजनस बेसिस जो है ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं या माइक्रो बायो मॉलिक्यूल्स बोले जाते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा बेटा कि एमिनो एसिड में हम बात किए बायो मॉलिक्यूल्स की, तो बायो मॉलिक्यूल्स ही हैं एमिनो एसिड, लेकिन उसमें भी मैक्रो टाइप के नहीं है, ये माइक्रो हैं जिन्हें एमिनो एसिड बोला गया और इस एमिनो एसिड से मिलकर बना है प्रोटीन। हमने बताया ये हेट्रोपॉलीमर्स आप क्या होते हैं, प्रोटीन। 300 नंबर में एमिनो एसिड जाना गया जिसमें 20 एमिनो एसिड क्या होते हैं, नोन है। ये एक बिल्डिंग ब्लॉक का प्रोटीन भी बोला गया इनको, प्लस ये क्या है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। इतनी पॉइंट अगर आपको समझ में आई बेटा तो कुछ इंपॉर्टेंट सी बात है, जरा उसको हम देख लेते हैं। यहीं पे देख लेंगे कि जो एमिनो एसिड है, इस एमिनो एसिड की खासियत क्या होती है कि ये स्पेशली स्ट्रक्चर में भी हम आपको दिखा देंगे। ये बॉडी बिल्डिंग मटेरियल होती है जो हम लोगों के बॉडी के ग्रोथ में भी हेल्प करती है, ठीक है। देन यहाँ पे अगर हम बात करें तो इनकी जो एमिनो एसिड की फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन अगर हम बात करें, ये फॉर्मेशन इसी का पॉइंट में रहेगा, ध्यान देना। यहाँ एक होता है साइड चैन, साइड चैन, साइड चैन जिसको आर से हम डिनोट करते हैं। देन इसके बाद एक होता है इसमें एमीन ग्रुप, एमीन ग्रुप, एमीन ग्रुप हो गया। इसके बाद होता है इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एमीन ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और यही इसका फंक्शनल भी दिखा सकते हैं कि ये तीन इसमें साइड देखे जाते हैं बेटा। पर्टिकुलर अगर हम बात करें तो ये दिखलाई कैसे देते हैं, ये दिखलाई देते हैं सी, इस ढंग से आप दिखा दो, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया क्योंकि सी के साथ हाइड्रोजन यहाँ बांड बनाने के लिए कंप्लीट रहेगा। यहाँ पे इसका जो एसिड वाला फॉर्म सी ओ एच, ये हो गया इसका। यहाँ पे जो आर साइड चैन है, यहाँ हम इधर लगा देंगे एमीन ग्रुप, तो यहाँ आर लगाएंगे और यहाँ पे हमारा वही NH2। तो इस प्रकार इसकी संयोजकता पूरी करने के लिए जो कार्बन की चारों तरफ लगे हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप, ये शो करते हैं कि कहीं ना कहीं ये क्या है, ये अल्फा कार्बन है। ये क्या है, अल्फा कार्बन है। ये कार्बन कैसा है, टेट्राहेड्रल बोला जाता है इसको, टेट्राहेड्रल कार्बन ग्रुप यहाँ पाया जाता है जिसकी बैलेंसी इन सबके मिलने से पूरी हो जाती है। और इसे सीरियल कार्बन या स्काइरल कार्बन भी बोला गया, क्यों, क्योंकि ये अल्फा कार्बन है। और काइरल कार्बन कौन होता है, जिसके उस कार्बन के जिसके चारों तरफ डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हों, डिफरेंट डिफरेंट यानी 4 डिफरेंट ग्रुप जहाँ पे जुड़े हुए हों उसको काइरल कार्बन बोला जाता है। तो यहाँ पे है बेटा। अब देखो ये अगर
इससे एमाइन ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए इनको अल्फा कार्बन बोला गया। यहीं पे अगर हम बात कर लेते, यहाँ पे एमाइन ग्रुप न जुड़ के यहाँ पे ये वाले कार्बन से NH जुड़ा होता तो पहला तो ये हो गया, लेकिन ये तब होता बीटा, बीटा एमाइन हो जाता है। ये ध्यान देना, बीटा एमाइन कैसे बनता है, जब दूसरे कार्बन से NH ग्रुप जुड़ जाए तो बीटा एमाइन होता है। आई होप आप लोगों को ये पूरी जो एमिनो एसिड की इतनी पॉइंट थी क्लियर हो गई होगी। तो आपको बता दें कि इसमें आप पढ़ना क्या क्या है। भाई ये तो हमने बेसिक सी बात बता दी जो अल्फा एमिनो एसिड और एमिनो एसिड के बारे में कि ये है क्या चीज़, और इनको पर्टिकुलर क्या बोला जाता है, ये मोनोमर्स होते हैं। ये जो एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड क्या होते हैं, ये मोनोमर्स होते हैं। मोनोमर्स क्या है, मोनोमर्स का मतलब होता है कि ये बहुत सारे मोनोमर्स मिल मिल के तब ये बनाते हैं, जैसे अल्फा हो गया, बीटा एमिनो एसिड हो गया, गामा एमिनो एसिड हो गया, तो ये मिल के तब प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए इनको मोनोमर्स भी बोला जाता है। अब इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है ये पॉइंट देख लेते हैं बेटा। यहाँ पे है, पहले पे हमको देखना है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर देखना है। दूसरे पे है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के बाद है बेटा यहाँ पे प्रॉपर्टीज हो गया, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज है। इसके बाद है एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल, नॉन एसेंशियल क्या, अल्फा एमिनो एसिड, यहाँ भी अल्फा एमिनो एसिड। तो हमको इनका स्ट्रक्चर देखना है, क्लासिफिकेशन देखना है, प्रॉपर्टीज देखना है और एसेंशियल नॉन एसेंशियल देखना है। तो चलते हैं हम जरा पहले बात करेंगे स्ट्रक्चर की। अगर आप लोगों को इतना समझ में आया हो बेटा तो चले हम आगे स्ट्रक्चर जरा देख लेते हैं। जिसका स्ट्रक्चर होता है वो डिपेंड करता है साइड चैन पे, डिपेंड किसके ऊपर करता है, साइड चैन पे डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ साइड चैन पाया जाता है, साइड चैन जिसको आर बोला गया, आर ग्रुप। फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। बेटा एक बात बताएं, अगर ये क्लास आप लोग ले रहे हो तो इसके बाद आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाने वाली है, क्योंकि कहीं से प्रॉब्लम नहीं आएगा बेटा। सो प्लीज़ आप लोग एंड तक ज़रूर बने रहिए। कार्बोक्सिलिक के बाद होता है ये आपका NH ग्रुप, यानी NH2 ग्रुप, एमाइन ग्रुप जिसको बोलते हैं। कहीं कहीं फंक्शनल ग्रुप भी आप देख लेंगे, उसको साइड चैन को बोला गया है। तो चलिए यहाँ से हम बात करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर किस ढंग से होता है। तो हमने दिखा दिया बेटा कि ये कार्बन हो गया, कार्बन पे ये